नमस्कार, सुरमई टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुर शुक्ल और चलिए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अंडमान और निकोबार में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4.6 दर्ज हुई तीव्रता। फ्रांसीसी आल्पस पर्वत में हुआ हिमस्खलन, 4 लोगों की मौत, कई घायल, गृह मंत्री ने दी जानकारी। आज छत्तीसगढ़ रहेगा बंद, विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर बीजेपी समेत कई संगठन सड़क पर उतरे। ट्विटर ने बीबीसी को बताया सरकारी मीडिया संस्थान, हंगामे के बाद बदला लेबल, कहा सरकार से सहायता प्राप्त। कोरोना का दोहरा हमला, देश में एक साथ फैल रहे दो उपस्वरूप, ओमिक्रॉन नहीं XBB सब वेरिएंट की चुनौती। श्रीलंका में दुनिया के सबसे पुराने महाबोधि वृक्ष के लिए खतरा बना चीनी पावर प्लांट, बच्चों के लिए भी हानिकारक। हिमाचल प्रदेश के बंजार में भीषण अग्निकांड से 9 दुकानें और 4 रिहायशी मकान जलकर राख, एक शख्स लापता। झारखंड के जमशेदपुर में धार्मिक झंडे के अपमान को लेकर फिर भड़की हिंसा, उपद्रवियों ने कई दुकानों को फूंका। लंदन जा रही फ्लाइट में शख्स ने क्रू के साथ की हाथापाई, 2 चोटिल, दिल्ली लौटा विमान यात्री को उतारा। चीन ने किया ताइवान को घेरने का अभ्यास, लड़ाकू विमानों से हवाई क्षेत्र को भी बंद करने का दावा। देश प्रदेश की खबरों में अपडेट रहने के लिए आप जुड़े रहिए सुरमई टाइम्स के साथ, और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।